respected principal sir, teachers, and all my dear students. A very warm and pleasant afternoon to all of you. अब बताने की जरूरत तो है नहीं कि क्या आज हम लोग मना रहे हैं या क्या मतलब चीजें हो रही हैं। जैसा आपको सब सभी लोगों को पता है कि आज फेयरवेल है, तो फेयरवेल का मतलब होता क्या है पहले समझिए। फेयरवेल का मतलब ये नहीं है कि विदाई हो रही है बच्चों की, जा रहे हैं लोग, और जितने मतलब ध्यान सुनिए पहले। फेयरवेल का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग क्लास में स्कूल्स में फर्स्ट ईयर फर्स्ट से लेकर टेंथ तक जो बच्चे हैं पढ़े हैं और जा रहे हैं बाहर, या जो ट्वेल्थ तक मतलब ट्वेल्थ पढ़ चुके हैं पढ़ करके बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो स्कूल की जो चीजें होती है हम लोग जो एक्सपीरियंस होता है उस एक्सपीरियंस को लेकर के जाते हैं। और ऐसा ये नहीं है कि जैसे सभी लोग जानते हैं कि केवल पढ़ाई से ही केवल आगे नहीं बढ़ सकते आप लोग, तो जिस भी फील्ड में आप लोग जाना चाहते हैं, जो भी आपका कैरियर होता है, उस कैरियर में जो आपकी 12 साल का जो एक्सपीरियंस होता है वो काम आता है। यानी जो इस अगर एक रियलिटी के तरह से देखें हम लोग, तो ये जो 12 साल या जो 10 साल के बाद जो स्कूल छोड़ रहे हैं बच्चे, तो इस टाइमिंग में हम लोग अपना मतलब पूरा एक्सपीरियंस अपने पास लेकर के जाते हैं और जिस भी फील्ड में काम करते हैं उसमें अपना बेटर दिखाते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए अब एग्जाम हो रहे हैं और एग्जाम आने वाले हैं, तो क्या क्या वही काम आती है। और देखिए मतलब केवल मार्क्स लाना ही जरूरी नहीं है, अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो इससे ये होता है कि कॉन्फिडेंस मिलता, आगे कोई भी काम करने में हमको क्या मिलता है कॉन्फिडेंस मिलता। मार्क्स का मतलब ये नहीं कि केवल मार्क्सशीट रखी हुई है पढ़ाई में वो हेल्प करेगा, अगर आपको अच्छे मार्क्स मिले एग्जाम में तो उसके हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में जो भी काम करना चाहेंगे उसके लिए बेटर कर सकते हैं। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि किस भी फील्ड में आप जाइए, कोई भी फील्ड किसी भी फील्ड में काम करना चाहते हैं उस फील्ड में अपना 100% मतलब 100% देंगे तभी क्या होगा। जिस भी फील्ड में आप लोग जा रहे हैं उसमें अपना 100% देंगे तो सारे फील्ड में आपको मतलब अपना एक मतलब प्राप्त हो सकता है, क्योंकि अब किसी भी फील्ड में आपको जाएंगे लोग ऐसे ही मिलेंगे आपको, जैसे मान लीजिए कोई भी फील्ड आप च्वाइस कर रहे हैं, कोई भी फील्ड को चुन रहा है, उसमें लोग जिस फील्ड में वो पहले से उस फील्ड में जो लोग इन्वॉल्व हो पहले आपको बताएंगे कि इस फील्ड में अच्छा मतलब इस फील्ड में उतना अच्छा कैरियर नहीं है। यानी किसी भी फील्ड में आप जाएंगे आपको मतलब डिमोटिवेट करने के लोग रहेंगे, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पेशेंस है काम करने की हार्ड वर्क करने की मतलब क्षमता है तो आप किसी भी फील्ड में अपना बेटर कर सकते हैं। थैंक यू।